अंबाला में लुटेरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लुटेरों को न तो प्रशासन का डर है और न ही सीसीटीवी में कैद होने का डर है। ताजा मामला अंबाला शहर के नजदीकी गांव बलाना से सामने आया है, जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए चार लुटेरे पंप कर्मियों पर हमला कर उनसे लगभग 1,80,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। लूट की यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि उनके पंप पर हुई इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सुंदर थाना एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर युवकों की पहचान कर ली गई है और सीआईए 2 की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं श्यामलाल शर्मा, अपना शर्मा फ्यूलिंग स्टेशन से बात कर रहा हूँ। हमारे जो पेट्रोल पंप पे वारदात हुई है, उसी टाइम मतलब हमारे जो कैमरे थे अंडर इंस्टॉलेशन थे, थोड़ी बहुत जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग के अनुसार भाई दो सवार एक्टिवा पे आए, आके उन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल डलवाया। थोड़ी देर के बाद में मोटरसाइकिल पे दो और आए, उन्होंने भी 40 का पेट्रोल डलवा के खड़े हो गए और सेल्समैन के साथ में बात करते हुए उन्होंने रॉड से सिर पे हमला किया। हमला करके और कैश बैग लेके वो अपने गाड़ियों पे सवार होके चले गए। सर कितना कैश उस दिन हमारे पास तकरीबन के 1,80,000 के करीब की जो सेल हुई थी वो सारी उस बैग के अंदर थी। सर पुलिस को सूचना दिया? हमने उसी टाइम पुलिस को सूचना दे दी थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसएचओ सदर अंबाला का, जो सही समय पर पहुँच के आके सारी टीम पुलिस की टीम साथ में आ गई। उन्होंने सारा कैमरों की रिकॉर्डिंग वगैरह सब देख के अगले दिन भी सीआईए स्टाफ ने आके सारे वो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। और उनके लिए मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है, खास करके सीआईए स्टाफ और एसएचओ सदर अंबाला का। सर जिस स्टाफ के चोट लगी थी वो किस तरह क्या है? जिस उसका उस लड़के का नाम सोनू है और उसके सिर पे जो चोट लगी थी उस पर पहले दिन थोड़ा सा उसके सिर दर्द हो रहा था, अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने काम पर है। सर एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाए? ये 26 शाम की 9:30 बजे रात्रि की घटना है। हमारे पास शर्मा ऑयल पंप कंपनी से जो नए बाईपास है वहाँ पे नया पेट्रोल पंप लगा है, करीब 1-2 महीना पहले लगा है। तो वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर हम मौके पे पहुँचे। उनके मालिक हैं शर्मा जी, वो हमारे को मिले हैं। उनके जो वहाँ सेल्समैन था उनके सब वो सेल पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहा था। एक एक्टिवा पर दो लड़के आए, उसके बाद मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए। उन्होंने मोटरसाइकिल पे जो बैठे थे लड़के, उन्होंने मोटरसाइकिल वाले ने एक ने उसके सिर में रॉड टाइप कोई चीज़ थी वो उसके सिर में चोट पहुँचा के उसका बैग छीन के भाग गए। चार लड़के थे। सीसीटीवी फुटेज हमने देख लिया है, फुटेज में उनकी पहचान हो रही है। सर कितने की लूट हुई है? वो करीब 1,70,000-80,000 रुपये के करीब नकदी है। सर अब तक कोई गिरफ्तारी? हाँ, एक गिरफ्तारी अपने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आगामी तफ्तीश जिसे सीआईए 2 के द्वारा अमल में लाई जा रही है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।